अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर के कंप्यूटर साइंस के पास्ट प्रैक्टिकल पेपर्स को ज़रा एक्सप्लोर करेंगे। ये मेरे सामने देखिए एक पेपर है पंजाब यूनिवर्सिटी का 2017 का, और ये इसका आप देख सकते हैं पैटर्न 30 मार्क्स का है ये, और इसमें दो पार्ट्स हैं। देखिए जो ग्रुप फाइव है, देखिए डिफरेंट ग्रुप्स हैं। ग्रुप वन से स्टार्ट होता है पहले दिन, और फिर सेकेंड टाइम में भी होता है तो वो ग्रुप टू होता है, तो इस तरह से चलते चलते ये उस तरह के ग्रुप बने होते हैं। और इसके दो पार्ट्स हैं, एक आपका एक्सेल का पार्ट है और एक आपका विजुअल बेसिक का पार्ट है सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में समटाइम्स एमएस वर्ड से भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर एमएस एक्सेल से ही आता है। तो ज़रा हम इसको बारी बारी ज़रा देखते हैं। आपने बेसिकली करना ये है, देखें ये तो मैं जो करवा रहा हूँ डिमॉन्स्ट्रेशन है, लेकिन आपने इस डिमॉन्स्ट्रेशन को लिखना है, और लिखना आपने किस तरह से, अब आपकी राइटिंग स्किल है कि जो जो चीज़ मैं करवा रहा हूँ ना, आपने ए टू जेड इसको इस स्टेप्स की फॉर्म में राइट करना है। और फॉर एग्जांपल इवन आपने ये भी लिखना है कि ये एमएस एक्सेल आपने ओपन किया, और ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले शीट बनाई, और शीट बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपने परफॉर्म किए। सबसे पहले आप फलां जगह पर गए, फिर आपने इस पर क्लिक किया, फिर आपने इसको बोल्ड किया, ठीक है, फिर आपने ये लिखा, फिर आपने इस तरह से फलां ऑप्शन पे क्लिक किया, और फिर आपने ओके बटन कर दिया। यानी एक एक चीज़ आपने उसमें जो स्टेप बाय स्टेप राइट करनी है। अब देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं कुछ टास्क परफॉर्म करने हैं। आपने सबसे पहले एक्सेल शीट बनानी है, डिमॉन्स्ट्रेट करनी है, और यानी वहाँ पर आपका कंप्यूटर भी होगा। लेकिन सम टाइम्स एग्जामिनर्स जो है ना, एग्जामिनर्स कहते हैं कि बस लिखा हुआ ठीक होना चाहिए, डिमॉन्स्ट्रेशन का आजकल नहीं चलता, आजकल के प्रैक्टिकल इसी तरह से हो रहे हैं। और जस्ट एग्जामिनर कहते हैं लिखा हुआ ठीक से हो, और उसी के फिर वो मार्किंग कर देते हैं, तो वो क्योंकि अक्सर सिस्टम ही नहीं होता कंप्यूटर्स का। तो इसमें देखें जो ए पार्ट में आपने शीट बनानी है, और बी पार्ट में वो कह रहा है आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, और उनको हाईलाइट करना है सेल्स को। तो ज़रा हम देखेंगे बारी बारी इसके पार्ट्स को। देखिए आपने ये शीट ड्रॉ कर ली है, और शीट ड्रॉ करने के लिए आपने जस्ट जो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट नेम लिखना है, इधर मार्क्स लिखना है, और इस तरह से आपने नेम लिख के, और फिर आपने ये जो अप्लाई करना है ना, देखिए मैंने जो आपको टेबल के जो एजेस नज़र आ रहे हैं, बोर्ड नज़र आ रहे हैं, आपने इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ से ये वाली जो ऑप्शन है ऑल बॉर्डर, इस पर आपने क्लिक करना है। तो इस तरह से आपके पास एक बॉर्डर आ जाएगा सिलेक्ट होकर। अब इसको आपने कंडीशनल फॉर्म, देखिए ए पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया, ए पार्ट में जिससे आपने एक्सेल शीट बनानी है उसका नाम रख देना है मार्क्स, और मार्क्स नाम आप कैसे रखेंगे इसको यहाँ ड्रॉ करके आपने इस पर आना है, सेव एज पे क्लिक करना है, और जैसे सेव एज पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पर आप दे सकते हैं मार्क्स, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये लिखना है, एज इट इज लिखना है। राइट, ये आप आते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी में आपने कंडीशनल अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू हाईलाइट द सेल्स, वो कह रहा है कि अगर आपके इसमें जो जो 80 से अबव सेल्स हैं वो हाईलाइट हो जाएं, आप उस पर कुछ हाईलाइटिंग ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाए, ठीक है। तो मैं कैसे इसको इस हवाले से फॉर्मेट करूंगा, पहले देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं आया यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है आइकन इसका, आपने इस पर क्लिक किया, आपने हाईलाइट सेल्स रूल्स पर क्लिक किया, और यहाँ पर ग्रेटर देन पे क्लिक कर दिया। जैसे ग्रेटर देन पे क्लिक किया मेरे पास, तो मैंने यहाँ पर एक वैल्यू लिख दी 80, यही था ना वहाँ पर, आई थिंक सो 80 था, मैंने ये कर दिया 80। जैसे मैंने 80 किया तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो जो 80 से अबव सेल्स हैं, हाँ जी 80 था, तो इसमें जो जो 80 से अबव सेल्स हैं वो हाईलाइट हो गए। बिल्कुल से आप इस पर हाईलाइटिंग अप्लाई कर सकते हैं, तो जस्ट ये आपने इसको मेंशन कर देना है और लिख देना है। उसके बाद सी पार्ट में वो कह रहे हैं सॉर्ट द मार्क्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग से मतलब मैक्सिमम टू मिनिमम। तो आप कैसे करेंगे मार्क्स को, अब देखिए मार्क्स को आपने अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना है तो आपने इसको देखिए सिलेक्ट किया, और फिर आप आए सॉर्ट एंड फिल्टर पर। यहाँ पर देखें आपको नजर आ रहा है सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे एक आपका ये ओपन हुआ मैसेज डायलॉग बॉक्स, और इसमें लिखा हुआ एक्सपेंड द सिलेक्शन। एक्सपेंड द सिलेक्शन से मुराद सिर्फ ये कॉलम आपने सॉर्ट नहीं करना डिसेंडिंग, और साथ साथ ये जो ए बी सी डी लिखा हुआ ना, जो नेम्स लिखे हुए स्टूडेंट के, इनको भी तो होना चाहिए ना, ठीक है, इनको भी उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ऑर्डर इनका चेंज होना चाहिए। तो अगर आप इस एक्सपेंड पे नहीं करेंगे तो फिर ये सिर्फ इसी कॉलम को कर देगा, तो एक्सपेंड पे करना मस्ट है। तो आपने यहाँ पे लिखा, जैसे ही सॉर्ट किया देखें उसने उसके अकॉर्डिंगली सॉर्ट कर दिया, नेम्स को भी सॉर्ट कर दिया, मार्क्स को भी सॉर्ट कर दिया।
राइट जी, तो ये अब आपका हो गया सी पार्ट, और उसके बाद डी पार्ट आपका इजी है, आपने उसको सेव कर देना है जैसे मैंने पहले बताया सेव एज पे जाके मार्क्स के साथ। तो ये आपका एक्सेल का पार्ट हो गया। इसके बाद हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ये देखिए, अच्छा इसमें आपने मार्क्स की डिवीजन देख लें, इसमें 10 मार्क्स का है, ये तमाम चीजें 10 मार्क्स की हैं जो कि आप पेपर पर राइट करेंगे, और 5 मार्क्स का वाइवा है। इसी तरह सेकेंड पार्ट में भी 10 मार्क्स का ये बेसिक का प्रोग्राम आपने राइट करना होगा, परफॉर्म करना होगा, और 5 मार्क्स का वाइवा होगा, ठीक है, और 10 मार्क्स का जो आप लिखेंगे। राइट, ये आपने एप्लीकेशन ओपन कर ली, ठीक है जी। अब जरा हम देखते हैं पेपर आपका क्या कह रहा है इस हवाले से। राइट अ प्रोग्राम दैट विल टेक टू पैरामीटर्स स्टार्ट एंड एंड ऑफ इंटीजर टाइप फ्रॉम यूजर यूजिंग इनपुट बॉक्स एंड डिस्प्ले द सीरीज ऑफ नंबर्स फॉलिंग बिटवीन स्टार्ट एंड एंड। और उन्होंने एक सैम्पल रन भी दिखाया है करके। यहाँ कह रहे हैं कि आपने दो पैरामीटर्स, एक प्रोग्राम लिखे जिसमें दो पैरामीटर्स इनपुट लेगा यूजर से, स्टार्ट और एंड के नाम से वो पैरामीटर्स होंगे, और ये इनपुट आपने लेनी है इनपुट बॉक्स के थ्रू, और फिर वो डिस्प्ले करेगा सीरीज उन स्टार्ट और एंड नंबर्स के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं उनको सिंपली डिस्प्ले कराना है आपने। फॉर एग्जांपल, अगर यूजर 5 एंटर करता है स्टार्ट में और एंड पे 9 एंटर करता है, तो इसके दरमियान जितने नंबर्स हैं 5 और 9 को मिलाकर, तो ये तमाम उसको डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरह यहाँ सैम्पल 2 में -3 से 3 तक एक सीरीज जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। इसको कैसे करेंगे अब आप वीबी में, लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, देखें उसने कहा था कि उसमें ना आपने ये बटन पहले सिलेक्ट किया, और इसी बटन के बैक पे ही आपने कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। सपोज मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर आपने इसका कैप्शन कर दिया एंटर टू नंबर्स, ठीक है। राइट, अब आप इस पर डबल क्लिक जैसे करेंगे तो यहाँ पर अब कोड आपने राइट करना है। अच्छा जी, देखिए सबसे पहले इसके लिए आपको 2 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे, स्टार्ट और एंड का वेरिएबल। तो आप वेरिएबल आपको पता है कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिम स्टार्ट, बल्कि स्टार्ट को चलिए ठीक है स्टार्ट ही रखते हैं, डिम स्टार्ट एज इंटीजर, और उसके बाद आपने एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया एंड के नाम से। मगर एंड को ये लेता नहीं, तो मैं एंड 1 कर रहा हूँ, एंड 1 एज, वो इसलिए लेता नहीं है क्योंकि कीवर्ड है, कीवर्ड्स को आप वेरिएबल के तौर पे नहीं ले सकते, तो वो आइडेंटिफायर का एरर दे देते हैं। राइट, तो आपने इन 2 वेरिएबल डिफाइन कर लिए, और उसके बाद आपको पता है यूजर से आपने इनपुट लेनी है, और स्टार्ट में आपने यूजर से इनपुट ले लेनी है, और इनपुट बॉक्स को यूज करते हुए इनपुट बॉक्स, और यहाँ पर आपने बल्कि इधर ब्रैकेट में आएगा ना, ये आएगा स्मॉल ब्रैकेट और अंदर ये डबल कोट, यहाँ पे आपने यूजर एंटर कर दें एंटर स्टार्ट वैल्यू, उसके बाद आपने एंड वाले एंड 1 में भी लेनी है वैल्यू, इसी तरह से इनपुट बॉक्स, यहाँ पे आप यूजर को प्रॉम्प्ट करेंगे कि एंटर एंड वैल्यू, तो इस तरह से 2 वैल्यूज आपने यूजर से इनपुट ले लेनी है, और इनपुट लेने के बाद आपने वाइल का लूप लगा लेना है, और वाइल का लूप आप स्टार्ट करेंगे, सपोज स्टार्ट में यूजर ने इनपुट किया 5 और एंड वाले वेरिएबल में यूजर ने इनपुट किया 9, तो मैं स्टार्ट से ले रहा हूँ, वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड एंड 1, ठीक है, जब तक स्टार्ट यानी 5 जो है 9 से छोटा रहे या उसके बराबर रहे, तब तक मैं यानी तब तक ये वाली लाइन जो है ना प्रिंट कर, इस पर ये आए इस वाली लाइन को प्रिंट कर दे, प्रिंट स्टार्ट, देखिए मैं क्या करवा रहा हूँ, प्रिंट स्टार्ट, और स्टार्ट में जो भी है ना वो प्रिंट करा दे, और ये प्रिंट कराने के बाद नेक्स्ट लाइन में मैं इंक्रीमेंट भी करवा देता हूँ स्टार्ट में, स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस 1, और उसके बाद मैं लूप एंड करवा देता हूँ एंड एंड। अब देखें इसकी जब मैं आउटपुट लूंगा, तो ये मैंने एंड पे दिया था, एंड में वैल्यू मैंने दी मैंने 9 और स्टार्ट में दी वैल्यू मैंने 5,
तो ये जो प्रिंट करेगा, ये प्रिंट देखें, अब आपने ये देखना है कि ये 9 को क्या प्रिंट करेगा, ये 9 को प्रिंट नहीं करेगा, ये 8 तक प्रिंट करेगा। देखिए मैं रन करता हूँ, एंटर टू नंबर्स, और इसने मुझसे पहली वैल्यू ली 5, ओके किया मैंने, फिर सेकंड वैल्यू ली 9, ओके। अब देखिए उसने 9 को प्रिंट नहीं किया क्योंकि मैंने लेस देन दिया था यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ पर दिया था लेस देन, जबकि मैं अगर चाहता हूँ कि ग्रेटर देन भी कर, यहाँ पे इक्वल टू का मैं साइन भी डाल देता हूँ, ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। इसके साथ आप रन करें तो अब वो इक्वल टू को भी चेक करेगा, 5 और 9, ठीक हो गया। देखिए आप उसने 9 भी ले लिया, तो इसको आप डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। इवन सब लोग, कुछ लोग ऐसे भी कर लेते हैं, यहाँ से नहीं किया उन्होंने, इक्वल टू नहीं डाला, यहाँ पे उन्होंने +1 का इजाफा कर लिया, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से अब देखिए ये वर्क कैसे कर रहा है, आपको कि लूप की वर्किंग आती है, तो ये सिंपली सिंपल सी लॉजिक है कि जब तक आपका स्टार्ट में जो वैल्यू है वो एंड तक नहीं आ जाती, तब तक लूप आपका चलता रहे और ये लाइन जो है वो इसको एग्जीक्यूट करता रहे, और साथ में इसमें हर लूप में आपको पता है इजाफा तभी होता है जब वो एक इंक्रीमेंट कर रहा होता है, और ये आपको ये टर्मिनेटर है, एक लूप का टर्मिनेटर है, राइट जी। तो ये सिंपल सा एक प्रोग्राम था, आपने ना इसका प्रोसीजर लिखना है कि सबसे पहले हमने एक ओपन किया, ये प्रोजेक्ट ओपन किया, और फिर हमने वही आपने वो एग्जी वाला लिखना है, स्टैंडर्ड एग्जी पे क्लिक किया, वो आपने स्टार्ट की चंद लाइंस लिखनी होती हैं हर प्रोग्राम में, और फिर आपने बटन यहाँ पर एक ड्रॉप किया, और बटन ड्रॉप करने के बाद आपने उस पर जो भी उसकी प्रॉपर्टीज में जाके उसके कैप्शन को चेंज किया, फिर आपने इसकी लॉजिक जो है वो राइट की, ठीक है, आपने उसकी जो लॉजिक उस बटन के पीछे जो कोड है वो आपने क्या लिखा, आपने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर की, बल्कि ये कोडिंग आप एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, स्टेप्स लिख कर ना, यानी जैसे आप इस कमांड बटन पे आपने क्लिक किया, डबल क्लिक करके आप इस कोड में आ गए, और फिर आपने ये कोड राइट किया, और एंड पर फिर आपने इसको एग्जीक्यूट किया, ये आपने लास्ट लाइन लिखनी है कि एंड पर आपने क्या किया, एग्जीक्यूट किया, और एग्जीक्यूट इसमें करते हैं F5 की प्रेस करके, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बस ये है प्रोसीजर, ही आपने लिखना है, और उन्होंने प्रोसीजर को ही देखना है, डेमोन्स्ट्रेशन की कोई ऐसी बात नहीं है, कोड आप जो है ना इस तरह से वो आपने लिखना है, और कोड लेकिन ये होता है अगर कंप्यूटर सामने हो तो कोड जरा गलती नहीं रहती, और आप श्योर हो जाता है कि आपने ठीक वैल्यू दी है और आपकी आउटपुट भी ठीक वाली। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका पेपर अब देखते हैं, ये आपका 2017 का पेपर है ग्रुप 3 का, और इसमें आप उसी तरह से एक एक्सेल का एक टेबल गिवन है, ये आइटम्स हैं, ये प्राइसेस हैं, और आपने इसका सम करना है यहाँ पर, और फिर डिस्काउंट मालूम करना है 8% इस वाले कॉलम में सेल में, और फिर नेट अमाउंट, नेट अमाउंट जो है उसने फॉर्मूला भी दिया हुआ है यहाँ पर, नेट अमाउंट टोटल अमाउंट माइनस डिस्काउंट, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा नेट अमाउंट। अच्छा जी, अब इसको आपने कैसे परफॉर्म करना है, देखिए पहले तो ए पार्ट में आपने ये प्रोसीजर लिखना है कि कैसे आपने इस शीट को, ये जो टेबल है ड्रॉ किया, आपने कितने कॉलम बनाए, कितनी रोज बनाई, और बोल्ड किया आपने, ठीक है, एक एक चीज आपने एज इट इज पहले तो ड्रॉ करोगे ना एक्सेल पे, इसका प्रोसीजर लिखना है, बाद में आप फॉर्मूले आप पर आएंगे तो वो बी पार्ट और सी पार्ट में, तो उसको फिर करते हैं। अब ये आपके पास वही टेबल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, अब इसमें आपने यहाँ पर सम लेना है, और सम लेने के लिए आप क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, इसको आपने सिलेक्ट किया और आपने यहाँ पर लिखा इज इक्वल टू, जैसे आपने यहाँ इज इक्वल टू लिखा तो ये फॉर्मूला बार एक्टिव हो गई, और फॉर्मूला बार में आप सम का फॉर्मूला लिखेंगे, और देखिए ये आपने ब्रैकेट जब दे दी ना तो उसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर आपने रेंज देनी है, यहाँ से यहाँ तक का सम लेना है जहां तक, ठीक है, ये आपका सेल नंबर क्या है, जी, बल्कि मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ, G6 से लेकर G10, ठीक है, ये रेंज आ रही है आपकी, इन सबको आप सम करना चाहते हैं, आपने एंटर किया तो ये देखिए उसने दे दिया आपका सम, और ये ऊपर फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है फॉर्मूला बार में, राइट, और उसके बाद डिस्काउंट में वो बता रहा है, देखिए जरा क्वेश्चन में डिस्काउंट में वो बता रहा है कितने परसेंट है, 8% डिस्काउंट है, और 8% डिस्काउंट आप कैसे लेते हैं, इसका ये जो है ना क्या इसका है सेल G11, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखें G11, G11 को मल्टीप्लाई अगर आप कर दें सिंपली 0.08,
ठीक है, तो वो डिस्काउंट आ जाएगा 8%। यानी आपने इस पर जो डिस्काउंट दिया 8% वो इतना है 1556। तो ये देखें मैंने फॉर्मूला क्या दिया, 8% लेने का तरीका क्या है, जरूरत दे दें आप उस सेल को 0.08 से, और उसके बाद जब ये आ जाए तो नेट अमाउंट में आप क्या फिगर देंगे, नेट अमाउंट में आप फिगर देंगे माइनस कर देना आपने सिंपल इसको, इसमें से माइनस कर देना। कैसे माइनस करते हैं, इज इक्वल टू G11 माइनस G12, ठीक है G12। तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो मेरे सामने ये नेट फिगर आ गया, और ये सारा प्रोसीजर में आपने लिख देना है कि भाई आपने टोटल में कैसे फॉर्मूला लगाया सम का, फिर आपने डिस्काउंट में क्या फॉर्मूला लगाया, और एक एक चीज लिखनी है आपने भाई G9 में, G10, G11 में जाके मैंने इसकी फॉर्मूला बार में ये चीज लिखी है, तो ये इस तरह से आपने लिखना है। और नेट अमाउंट आपकी आई है G13 में आई है, ठीक है। तो ये था आपका एक्सेल का प्रोसीजर, और आपने इसको कैसे बनाकर, आपने जाहिर है सेव भी करना है प्राइसेस के नाम से, तो इस फाइल को कैसे आप सेव करेंगे इसका आपने तरीका भी लिख देना है। ऐसे फाइल पे गए, फिर हम इस फाइल पे नहीं गए, हम इस ऑफिस बटन पे गए, हम सेव एज पे गए, और यहाँ पर हमने नेम दे दिया, राइट जी। उसके बाद आपका प्रोग्राम देखें, ये वाला बिल्कुल उसी तरह से ही है प्रोग्राम, जैसे अभी हमने किया था, बस उसी में आपने थोड़ी सी चेंज करनी है और ऐड करवा देना। ऐड कैसे कराएंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका था, ये यूजर ने दो वैल्यूज एंटर किए हैं, ठीक है, उसी में। तो अगर आप यहाँ पर एक सम का वेरिएबल भी मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, dim sum as integer, ठीक है, और सम लेने के बाद मैंने ना यहाँ पर इधर एक लाइन ऐड कर दी, बल्कि सम को आप यहाँ जीरो से इनिशियलाइज कर दें, सम इज इक्वल टू जीरो, ताकि वो गार्बेज ना उठाए, गार्बेज उठाता है। तो यहाँ आपने एक लाइन ऐड कर दी, सम इज इक्वल टू स्टार्ट, सम प्लस स्टार्ट, सम प्लस स्टार्ट, ठीक हो गया। बस ये आपने ऐड कर दिया इतना सा। तो ये अब आपने ना एंड पर जाहिर है काम करना है, प्रिंट कराना है। अब आपने ये जो लाइन है ना, ये वाली प्रिंट स्टार्ट की, इसको ये शायद काट दें, और वेंड से, हाँ बल्कि वेंड के बाहर नीचे यहाँ पे प्रिंट को डिस्प्ले करा दें, जो इसका है सम जो है ना, सम को क्या करा दें, डिस्प्ले करा दें। आप चाहें तो कस्टमाइज्ड फिगर भी लिख सकते हैं, मगर मैंने सिंपल रखा है। प्रिंट सम किया, राइट जी, आई थिंक सो वी वर्क करेगा। लेट्स सी, एंटर टू नंबर्स, 3 7 ले लेते हैं, ओके। हाँ देखें, उसने दे दिया सम 25, 3 से 7 तक का देख लें, 3 3 4 3 7 5 12 12 और 6 18 18 और 7 25, ठीक हो गया। तो ये 25 आपका आंसर आ गया, और ये आपने कोड लिखना है, इसका प्रोसीजर बेसिकली लिखना है। तो मैंने देखें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है, तो ये वही प्रोग्राम में, और ये सम इसने ले लिया, और सम की लाइन बस आपने लिखी है, एक वेरिएबल बनाया अलग से और एक वेरिएबल डिक्लेरेशन किया। अच्छा, आपका ये वाला पेपर भी हो गया, इसको जरा आपने दोबारा से देख लेना, ठीक है, क्या क्या इसकी एग्जैक्ट क्या डिमांड थी। तो मेरे ख्याल में यही इसकी डिमांड थी कि इसने सम ही चाहिए था, ठीक है, राइट। और इसके अलावा जो नेक्स्ट पेपर है, लेट्स सी, अब 2018 का एक देख लेते हैं पेपर। हाँ जी, देखिए ये हमारे पास 2018 का एक पेपर है, और इसमें ये थोड़ा सा पहले वाला जरा आसान था, ये थोड़ा ट्रिकी है। इसमें कह रहा है कि आपने शीट पहले बनानी है, एक्सेल शीट, और इसमें ये फर्टिलाइजर्स, ये बिजनेस है, डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस शो हो रहे हैं इस कॉलम में। यहाँ पर शो कर रहा है वो एरिया कि जो है, ये जो चीज़ें हैं ये रूरल में फॉल कर रही है, अर्बन में फॉल कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल का बिजनेस रूरल में भी है, फर्टिलाइजर वो रूरल एरिया में भी सेल करते हैं और अर्बन में भी सेल करते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिहाज से कहाँ कहाँ कितनी सेल हुई, उन्होंने अलग से एनुअल इनकम को मेजर किया हुआ। अब यहाँ पर देखें, इधर
तो ये तो हो गया आपने ड्रा करने। देखिए सेकंड में बी पार्ट में वो कह रहा है अप्लाई फिल्टर ऑन द एरिया कॉलम। फिल्टर अप्लाई करना है, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे, क्या मतलब है इसका। उसके बाद सी पार्ट में वो कह रहा है टोटल अमाउंट जो है ना इन दोनों की, रूरल की अलग से और अर्बन की अलग से कंप्यूट करे। और रूरल की कैसे करेगा, जाहिर है रूरल की वैल्यू उसको ऐड कर देगा। ये रूरल की 600 है एक और एक है 500, इन दोनों को ऐड आपने कराना है। एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है कैसे कि सिर्फ रूरल की वैल्यूज उठाए और यहाँ पे सिर्फ अर्बन की वैल्यूज ही उठाए, उन्हीं को ऐड करे। जैसे अभी मैंने सम का फॉर्मूला लगाया आपके सामने, उसने सबको ऐड कर दिया ना यहाँ से यहाँ तक जो आपने रेंज दी। मगर यहाँ पर आपने थोड़ी सी कंडीशनल किस्म का फॉर्मूला देना है कि वो सिर्फ रूरल वाली वैल्यूज को ऐड करे या अर्बन के में सिर्फ अर्बन वाली वैल्यूज को उठाए। तो ये अब आप कैसे करेंगे, तो ये वही चीज मांग रहे। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना। राइट जी, ये मैंने इसकी फाइल बनाई थी, जरा मैं इसको ओपन करता हूँ। अब देखिए जी, ये आपके पास टेबल है। पहले तो आपने इसको ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने का भी एक तरीका है कि आपने देखें यहाँ पे ना, आपको ये जो तीन कॉलम में मर्ज करके इसने एनुअल इनकम रूरल को राइट किया। कैसे मर्ज करते हैं, मैं सपोज आपको ये करके दिखाता हूँ। ये आपने इनको सिलेक्ट किया, ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद ऊपर ये आपको नजर आ रहा है मर्ज इन सेंटर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये मर्ज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस टेबल में करके बता दूँ। देखें यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट किया और इसको मैंने क्लिक किया, ओके। अभी इसने एक देखें दोनों को एक कॉलम बना दिया, एक रो बना दिया। तो ये क्या हो गई, आपकी मर्जिंग हो गई। इससे आप इन चारों को भी मर्ज कर सकते हैं। मैं देखें चारों को मर्ज कर दिया, ओके। तो इस तरह से मैंने आप यहाँ पर तीन तीन जो है ना इस तरह के तीनों को मर्ज करके एक सेल बना दिया। तो ये आपने करना है और इसको भी लिखना है, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है जी, उसने देखें बी पार्ट में पूछा था हमसे, लेट सी कि आपने फिल्टर अप्लाई करना है। फिल्टर अप्लाई किस पे करना है, एरिया वाले कॉलम। चलें ये एरिया वाले कॉलम पे करते हैं फिल्टर अप्लाई। कैसे करना है, ये एरिया को सिलेक्ट किया आपने, बल्कि इसको एरिया वाले कॉलम पर ऐसे सिलेक्ट किया और फिर आप आए फिल्टर पर। ये यहाँ पे आपने आया सॉर्ट एंड फिल्टर पे और फिल्टर पे क्लिक किया। जैसे ही फिल्टर पे आपने क्लिक किया तो अब आपका ये देखिये ये एरो नजर आ रहा है आपको। इस एरो में सपोज मैं चाहता हूँ सिर्फ रूरल वाली वैल्यूज, अब रूरल की कितनी वैल्यूज है, दो। मैंने इस एरो पे क्लिक किया और सिर्फ रूरल वाले को चेक कर दिया, बाकी सबको अनचेक कर दिया, ठीक है। सारा मैंने क्या कर दिया, अनचेक, ओके। अब देखिए सिर्फ रूरल वाले नजर आ रहे हैं। इसके बाद मैं रूरल के बजाय अर्बन को सिलेक्ट करता हूँ, अब आपको सिर्फ अर्बन वाली वैल्यूज नजर आ रही है। तो बेसिकली ये फिल्टर लगाकर आपने कॉलम पर सिर्फ वही वैल्यूज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इजीली आप फिल्टर करा सकते हैं, बाकी जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको फ्रंट पे रख सकते हैं, ठीक है। राइट, तो इस तरह से आपने फिल्टर लगाना है। एक आपने बटन ही दबाया और फिल्टर लग गया, ठीक है, इतना सा काम करना है। राइट, ये तो हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आपने लगाना है फार्मूला, ठीक है। सी पार्ट में ऐसे ही ना, सी पार्ट में वो कह रहा है फार्मूला आपने लिखना है। और फार्मूला लगाने के लिए आपने इसको सिलेक्ट किया, इस सेल को जहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखना है, इसको क्या किया, सिलेक्ट किया और इधर इज इक्वल टू प्रेस किया। इसके लिए देखें आपका एक फॉर्मूला वो होता है, फंक्शन होता है, हम उसे कहते हैं सम, सम इफ एस, ये फार्मूला है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपने ब्रैकेट लगाई और ब्रैकेट लगाने के बाद आपने आप देखें रेंज देनी है, यहाँ पर रेंज देनी है यहाँ से यहाँ तक कि जिस कॉलम में आप सम कराना चाह रहे हैं, आपने यहाँ से सिलेक्ट किया इधर से, ये क्या रेंज होगी, ये F6 से लेकर F10 तक की रेंज को क्या करना है, सम करना है। मगर रूरल को सिलेक्ट करना है, जाहिर है अभी रूरल की बात अभी बाद में करता हूँ, मैंने अब यहाँ कॉमा दिया। अब हम आ जाएंगे जी रूरल वाले पर, ये रूरल वाले कॉलम पर आ जाएंगे, इसकी भी रेंज देनी है आपने कि कहां से कहां तक वो सिलेक्ट कर, यहां से यहां तक आप चाहते हैं, ठीक है जी, सिलेक्ट उसने कर लिया। उसके बाद अगेन अब आपने कॉमा लिखना है, कॉमा लिखकर आपने डबल कोट्स में लिख देना है रूरल, ओहो डबल कोट में क्या लिख देना है आपने, रूरल रूरल, राइट। तो जैसे आप देखें एंटर करेंगे कि मैंने एंटर किया और उसने 1150 दे दिया, मगर सिर्फ रूरल वाली वैल्यूज
एक ये थी रूरल वाली वैल्यू और एक ये थी, सिर्फ इन्हीं को ऐड किया उसने। देखें अर्बन वाली को टच भी नहीं किया, ये तीन अर्बन की थी वैल्यूज, ये वाली इनको उसने टच भी नहीं किया। अब ये हो गया कैसे हो गया ये, इसके पीछे मैंने फार्मूला लगाया, ये आपको फार्मूला नजर आ रहा है। देखें इसमें पहले नंबर पर आप दे रहे हैं कि F6 से F10 ये वाला, ठीक है, ये जो यानी जिन जिस कॉलम पर आप सम करना चाह रहे हैं, जिस कॉलम को सम करना है, जिसमें से वैल्यूज को उठा के सम करना, और उसके बाद जहां से वो वैल्यू उठाए यानी जहां से वो रूरल को जिसने उठाना है ना, वो भी आपने देना है उसको, उसकी भी आपने रेंज देनी है कि कहां से कहां तक वो उठाए और किसको उठाएगा राय रूरल, वो फिर हम तीसरे कॉलम कॉमा के बाद देंगे रूरल, ठीक है कीवर्ड। लेकिन आपने एक ये रेंज देनी है इसकी और एक इसकी रेंज देनी है, दो कॉलम्स की रेंज आपने पहले देनी है क्राइटेरिया की। और फिर इसी तरह अर्बन को भी करना है, इज इक्वल टू सम इफ एस, ये लगाया आपने ओके किया, और यहाँ पर आपने रेंज दे दी पहले, तो यहां से यहां तक मैं लिख भी सकता हूँ कीबोर्ड से मैंने, मगर मैं सिलेक्ट कर लिया तो जरा इजी हो गया मेरे लिए। कॉमा डाल के मैंने इसकी भी रेंज सिलेक्ट कर ली, इसने खुद ही उठा ली रेंज, आपको आपको देने की जरूरत नहीं पड़ी। कॉमा डाल के अब आपने लिखना है अर्बन, ठीक है जी अर्बन, यहाँ आप लिख देंगे URBAN। जैसे ही देखें मैं एंटर करूंगा, क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है, आपने अच्छा इसने ना वैल्यू वो ठीक नहीं उठाई। देखें कहां से कहां तक आप कराना चाह रहे हैं, रेंज जरा देख लें, पहले आपने F6 से लेकर F10 तक की देनी है, यहाँ उसने 11 रखा हुआ है तो ये गलत है, इसको आप रेंज को ठीक कर दें F10, अब ठीक है ओके यस। आप देखें उसने सिर्फ अर्बन वाली वैल्यूज को ही सम किया, एक ये 1800 1400 और, तो इसको हम कहते हैं कंडीशनल सम, आप इसको कह सकते हैं कंडीशनली उसने चीजों को ऐड किया राइट। तो ये आपका पार्ट हो गया बी पार्ट हो गया, सी पार्ट हो गया यस। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना है, सेव करना आपको आता है राइट। नेक्स्ट जरा देखते हैं आपका वीएल बेसिक का प्रोग्राम है इसमें राइट, ऑफ वीएल VB6 प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स ग्रॉस पे फॉर एन आर्ली एम्प्लॉय, द आर्ली वेज इज ₹100 फॉर द फर्स्ट 40 आवर्स एंड ₹150 फॉर ऑल द आवर्स ओवर 40, द यूजर इनपुट्स द नंबर ऑफ आवर्स वर्क्ड। आपने ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो एक वेजेस पर एक एम्प्लॉय है आर्ली उसका रेट है, उसकी ग्रॉस पे कैलकुलेट करनी है, और उसका देखें रेट उसने बताया हुआ है कि अगर जो है ना उसका जो आर्ली वेज है वो ₹100 के हिसाब से उसको दिया जाएगा फर्स्ट 40 आवर्स के, आपने जो कैलकुलेशन करनी है ना फर्स्ट, अगर सपोज उसने 40 आवर्स से ज्यादा अगर काम किया तो उसकी वेज रेट बढ़ जाएगा, 150 उसको मिलेगा रुपया पर आर अगर वो 40 आवर्स से ज्यादा वर्क करता है, और तो यूजर इनपुट करेगा टोटल आवर्स, ठीक है। आप देखिए उसने नीचे सैंपल रन दिया, उसने 50 आवर्स की यहाँ पर जो है ना इन वो दिखा रहा है सिर्फ 50। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है कि वो 40 तक रेट अपना 100 पर ले जाए, और 40 से अबव कितने आपके 10 आवर्स मजीद उसने काम किया तो उनको वो 150 के हिसाब से प्रोसेस करे। आपने इसी का ख्याल रखना है, ऐसा ही नहीं बात नहीं है कि 50 पर अगर वो चला गया तो सारा का सारा 150 के हिसाब से कैलकुलेट कर दिया, नो अगर वो 40 से अबव गया है 50 तक तो 40 तक तो रेट पुराना रहेगा, लेकिन उससे ऊपर जितने भी आर्स हैं उन पर आपने नया रेट लगाना है। अच्छा जी इसको काम करते हैं VB में जरा इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा देखिए आपको इसके लिए वेरिएबल्स कितने रिक्वायर्ड है, किस तरह का स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, आपको सबसे पहले एक तो बटन ड्रॉप करना है, ठीक है आप इसको एक नाम दे दें कैलकुलेट पे का, ठीक है कैलकुलेट पे, क्योंकि हमने स्टार्ट तो कहीं से लेना है, उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन हम किस तरह से कर सकते हैं। अब मैं जैसे ही डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास ओपन हो जाएगा एक क्लिक का, ठीक है यहाँ पर आप अपना कोड लिख सकते हैं। अब इसके लिए आपको दो वेरिएबल्स तो रिक्वायर्ड हैं, एक तो आर्स आपने यूजर से इनपुट लेनी है और दूसरा आपने पे कैलकुलेट करनी है, तो दो वेरिएबल्स तो आप इजीली
जो है ना डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, जब आप स्टार्ट कर लेते हैं ना, बाद में आपको कुछ मजीद वेरिएबल भी रिक्वायर्ड होते हैं, आज से ऐसा आपको पता लगता है। तो ये दो वेरिएबल, तो एक वेरिएबल मैं आर्स का बनाता हूँ, डिम आर्स एज इंटीजर, और एक और वेरिएबल मैं बनाता हूँ डिम पे एज इंटीजर। देखिए दो वेरिएबल आपको क्रिएट हो गए। इसके बाद मैं इनपुट ले लेता हूँ, और आर्स मैंने यूजर से इनपुट लेनी है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी आर्स, मैं इनपुट बॉक्स के जरिए से ही कर लेता हूँ, इनपुट बॉक्स के जरिए से इनपुट, वैसे तो टेक्स्ट बॉक्स से भी ले सकते हैं लेकिन इसी से ले लेते हैं। एंटर एंटर नंबर ऑफ आर्स, ठीक हो गया। अब जब आपकी इनपुट ले ली गई, अब आपने लॉजिक लगानी है। फॉर एग्जाम्पल इफ से स्टार्ट लेते हैं, इफ आर्स, अगर तो आपके आर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40, अगर तो 40 से अबव है आपके आर्स, तो फिर किस तरह से वो कैलकुलेट करे, आप यहाँ पर एक जस्ट ओके देन, ठीक है, ये आपने फॉर्मूले में यूज करना है, फ्यूल बेसिक में आप यूज करते हैं। देन इसके बाद क्या होगा, आपने जो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा पे, यानी जो आपके पास फाइनल आंसर आए वो तो पे में ही आएगा ना, डेफिनेटली पे के वेरिएबल में ही आएगी ग्रॉस पे। तो यहाँ पर आपने किस तरह से लगाना है, सपोज आपको पता है कि अगर 50 यूजर एंटर करता है, आर्स 50 एंटर किए, तो 40 तक का रेट पहले जाहिर है 100 के हिसाब से कैलकुलेट होगा, और जो अगले 10 हैं वो आर्स आपके 150 के हिसाब से कैलकुलेट होंगे। तो वो जो 40 आर्स का रेट है, मैं तो वो तो फिक्स हो गया ना फिर, यानी आप कह सकते हैं कि 4000 आपके रुपीज तो फिक्स हो गए, ऐसे ही है ना, अगर आपके 40 से अबव हैं, 50 आर्स इनपुट किया तो 4000 आपके रुपीज जो है वो तो फिक्स हो गए। ठीक है, तो इसके बाद यानी 4000 में आप फर्दर 10 का फिगर ऐड कर ले। 10 का फिगर कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए आप, क्योंकि देखिए लॉजिक आप किसी तरह से भी सोच के लगा सकते हैं। अब मैंने आर्स में अगर यूजर ने 50 एंटर किया था, तो मैंने इसको यहाँ से माइनस करवा लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, 10 आ गया, आर्स माइनस 40 समरात 50 माइनस 40 10। अब इस पर मैं रेट जो है ना वो लगा लेता हूँ 150 का। ठीक है, देखें एक ही लाइन में दोनों काम हो गए, यानी 40 वाला रेट भी कैलकुलेट हो गया, 40 तक का 4000 हो गया ना आपकी वेज बन गई, और उससे अबव जो 10 यूनिट्स हैं वो मैंने 10 यूनिट्स कैसे निकाले, यहाँ पे आपने 10 यूनिट्स नहीं लिख देना, ठीक है, याद रखना है, यहाँ पे 10 नहीं लिख देना, आपको तो पता है 10, लेकिन यूजर आर्स में कुछ भी दे सकता है, वो 50 दे सकता है, वो 100 भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली खुद से फिगर कैलकुलेट होके आएगा। राइट जी, तो ये होगी जनाब आपकी। और इसके अलावा अगर यूजर इससे नीचे 40 से नीचे अगर देता है, ठीक है, तो उसको आप एल्स में कर दें, एल्स पे, सादा सा फॉर्मूला होगा, एल्स पे इज इक्वल टू आर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें, सिंपल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया जी, उसके बाद आपने इफ को स्टार्ट किया, तो इफ को एंड इफ भी करना है, कैपिटल में कर देते एंड इफ। तो ये आपका हो गया। अब आपने डिस्प्ले भी कराना है, जा रहे पे को, ग्रॉस पे को डिस्प्ले कराना है, आप चाहे मैसेज बॉक्स से कर दें, मैसेज प्रिंट से भी करा सकते हैं, मैसेज बॉक्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रॉस पे इज, और इसको थोड़ा सा करना, आप मैसेज कस्टमाइज से कर सकते हैं, ये कंकेटिनेट का ऑपरेटर मैंने यूज किया, वेरिएबल के साथ हमेशा कंकेटिनेट का आता है, ठीक है, याद रखें ये पे वेरिएबल है ना, तो अगर आपने वेरिएबल को डिस्प्ले कराना है मैसेज के साथ, तो ये कंकेटिनेशन एंड पर्सन का ऑपरेटर लाजमी यूज करते। अच्छा जी, अब इसको हम जरा रन करते हैं। तो इनपुट देते हैं, सपोज 50 देता हूँ, 50 इनपुट किया, ओके, तो देखें उसने मुझे आंसर दे दिया, ग्रॉस पे आपकी 50 के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी है, 5500।
राइट, तो ये था ना आपका। अभी आपने इसका थोड़ा सा ना प्रोसीजर, ये कोर तो हो गया लेकिन साथ आपने कुछ प्रोसीजर भी इसका राइट करना है वहाँ एक तरीके से। ये आपने खुद से जरा ट्राई करना है। हाँ इजी है, बस यहाँ पर देखें वो कह रहा है कि बस आपने ड्रा करनी है ये वाली चीज, उसमें क्या है सारी वही चीज है, सिर्फ आपने ये वाले जो कॉलम है इनको मर्ज कर देना है। ये वाली देखें, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो कॉलम है इनको सिलेक्ट करना है, ठीक है, और ऊपर एक मर्ज का बटन प्रेस करके ये मर्ज हो जाएगा। बाकी सारा वो ये इसको बोल्ड कर देना है पहले हमने, कितने कॉलम रोज बनानी है, 1 2 3 4 5 बस रोज तो बनी होती है उसमें, तो बस बनानी है, बस आपने उसको टेबल की शक्ल देनी है। और कैसे करेंगे, वो जो ग्रिड में से आपने उसको सिलेक्ट कर देना है, ग्रिड समझते हैं ना, बता देता हूँ ग्रिड से क्या मुराद है। ये जो मैं ग्रिड मैंने बनाया है ना, ये चले मैं यहाँ बताता हूँ, ये इसका ग्रिड बनाना है, इसको सिलेक्ट कर लिया, ये देखें ग्रेड बन गया। इसी तरह से आपने इसका ग्रेड बना लेना है तो वो टेबल बन जाता है। अच्छा जी ये हो गया, तो उसके बाद आपने सेव कर देना है। यस प्रोग्राम इसका ये आपने जरा खुद से ट्राई करना है, अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया है। इसकी लॉजिक खुद से बनानी है और इसमें एक आपने फी भी इनपुट करानी है और मार्क्स भी इनपुट करानी है, ठीक है, और फिर आपने इसकी लॉजिक खुद से बनानी है। आई होप कि आप इसको कर लेंगे। इसमें जो है ना, जब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपने स्टार्ट 90 से ही लेना है, हाईएस्ट से स्टार्ट लेते हैं नॉर्मली, कि अगर आपकी फी जो है वो अगर आपके मार्क्स जो है वो 90% से हायर हैं तो फिर वो कैलकुलेट करें। और यानी और फिर आपने एल्स इफ का स्ट्रक्चर, एल्स इफ एल्स का स्ट्रक्चर यूज करें इसको। देखिए तीन तरह के स्ट्रक्चर हैं, एक इफ एल्स है और एक इफ एल्स इफ एल्स, दो तरह के स्ट्रक्चर हो गए, एक सादा इफ एल्स है और एक इफ एल्स इफ एल्स। तो यहाँ पे इफ एल्स इफ एल्स वाला स्ट्रक्चर लगेगा क्योंकि तीन तीन क्राइटेरियाज हैं, एक अबव 90, दूसरा 80 to 90 और तीसरा 72। तो तीन जब क्राइटेरियाज हो तो सादा इफ एल्स नहीं लगता, इफ एल्स इफ एल्स लगता है। तो आपने उससे इसको अटेम्प्ट करना है। यस ये वाला भी एक क्वेश्चन है और इसमें 2018 में आया हुआ है। अब ये कैसे आपने ड्रा करना है, चलें इसका भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखें इसमें आपके पास कितने कॉलम्स हैं, कितने रोज हैं, बस इसका आपने कैलकुलेशन करके बना लेना है। आपके पास 1 2 3 रोज होंगे टोटल और कॉलम, देखें 1 2 3 ही आपके पास, यानी सबसे पहले आपने 3x3 का एक टेबल बना लें, फिर बाद में आप इसको जो है मॉडिफाई करते रहते हैं। 3x3 का जब बन गया तो फिर अब आप देखें आपने क्या करना है, ये जो पहली दो है ना इनको तो मर्ज कर दें, इन दोनों को क्या कर दें मर्ज। कैसे करेंगे, राइट क्लिक, ये मर्ज, ठीक हो गया, ये मर्ज हो गया। सेकंड में ये इसी तरह रहेंगे, तीसरे में फिर इनको मर्ज कर दें, ये हेड, ठीक हो गया, देखें हेड डिवीजन के लिए, और आखिरी जो रो है इसमें सारे को मर्ज कर दें, ये तो इस तरह से अब आपका ये स्ट्रक्चर बन क्रिएट हो गया बिल्कुल वैसा, ठीक है। तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, इसको बोल्ड करके राइट कर सकते। उसके अलावा जो इसमें क्वेश्चन आया है पार्ट टू में, ये वाला रिवर्स ऑर्डर का मैंने ऑलरेडी आपको करवाया हुआ है बीबी का प्रोग्राम, इसका मैं चले लिंक शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की शेयर कर देता हूँ, तो आप इसको वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है जी। आई होप के चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी और विश ऑफ गुड लक फॉर योर प्रैक्टिकल। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।